वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि लैब में कैसे हम काम करते हैं। ये रियल टाइम लैब है, इसमें मैंने सारे जो है पीसी अगली क्लासों के लिए, सेमेस्टर के लिए रेडी कर दिए हैं। इनको रेडी कर रहे हैं सब में, मैट लैब अपडेट कर रहे हैं, कर दिया है हमने। और ये लैब को जो है अंदर का वो दिखा रहा हूँ। ये टाइम टेबल है यहाँ पे लगा हुआ नोटिस बोर्ड पे, जो टाइम टेबल चल रहा है इस सेमेस्टर। और ये लैब का पूरा है, अंदर का सारा सिस्टम, कंप्यूटर रखे हुए हैं सारे लैब में। रियल टाइम लैब है ये। ये देखिए कंप्यूटर पे हमने मैट लैब कर दिए। और इसमें एक चीज़ है, जब ये कर रहे थे तो इसमें एक प्रॉब्लम आई थी कि मैट लैब जो है अपडेट, ऐसे अपडेट आ रहा था, लेकिन जब अपडेट पे हम क्लिक कर रहे हैं तो ये कुछ हो नहीं रहा था, प्रोसेस आगे बढ़ नहीं रहा था। तो इसको दूसरे तरीके से हमने अपडेट किया है, जो मुझे पता चलता है मैं वही वीडियो में डाल देता हूँ। कोई भी एक्सपेरिमेंट हो या जो भी हमने किया, जैसे भी कोई प्रॉब्लम फेस आई, तो इसमें हमने क्या करना है, जैसे हमने मैटलैब ओपन कर रखा है तो ये ना ऊपर यहाँ होम पेज पे क्लिक किया हमने, जो होम है वो होम लिखा है ऊपर, यहाँ पे होम लिखा है, यहाँ पे हमने क्लिक किया और ये हमारे पास टूल्स व्यू आ गए हैं सारे। तो यहाँ पे एक, यहाँ पे देखिए हेल्प लिखा है, हेल्प लिखा है क्वेश्चन मार्क के ऊपर, हेल्प लिखा है ऊपर, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ नीचे हेल्प है। तो हेल्प पे क्लिक किया हमने, तो यहाँ पे लाइसेंसिंग पे किया, तो यहाँ पे ये हमारे पास आ गया है, ठीक है। ये एक्टिवेट सॉफ्टवेयर पे क्लिक किया हमने, दोबारा देखिए यहाँ पे किया और एक्टिवेट सॉफ्टवेयर पे क्लिक किया। ध्यान से देख लीजिए, ये क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास ऑप्शन आ जाएगी। थोड़ा टाइम ले रहा है ये, हाँ ये आ गया। अब यहाँ मैंने जो पासवर्ड दिया हुआ है अपना, एडमिन पासवर्ड जो है सूरवीर राणा यूज़र है, तो इसमें जो मैं पासवर्ड फिल करूँगा, पासवर्ड फिल किया तो यहाँ पे यस किया, ये अलाउ कर दिया हमने इसको। अब ये जो मैथ वर्क्स में हमने लॉगिन करना होता है, मैथ वर्क्स का जो हमारा लॉगिन बनाया होता है यहाँ पे, ये देखिए इस पर हम नेक्स्ट करेंगे, कुछ नहीं करना, सिर्फ नेक्स्ट करना है। इस पर नेक्स्ट करेंगे तो ये, अब यहाँ ईमेल आईडी डालनी है और पासवर्ड डालना है मैथ वर्क्स का, जो हमने मैथ वर्क्स में ईमेल दिया हुआ है, जो जिस ईमेल से हमने मैथ वर्क्स का अकाउंट लॉगिन किया था और पासवर्ड रखा हुआ है उसका, surbir.singh@thapar.edu। ये हमारा होता है यूनिवर्सिटी का, एम्प्लाइज़ का, तो इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ हमने पासवर्ड फिल करना है नीचे, पासवर्ड फिल करेंगे और फिर नेक्स्ट करना है। बहुत इजी है, देखने में ऐसे लग रहा है कि कितने स्टेप हैं, लेकिन फिर नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद ये हो रहा है एक्टिवेट, वैलिडेट हो रहा है। अब ये लेसन्स आ गया हमारे पास, ये यहाँ भी हमने नेक्स्ट किया। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है, वो अगली वीडियो में बताऊँगा मैं। यहाँ अभी हमने ओके कर दिया, क्योंकि इस पीसी में ऐसे ही सिलेक्ट कर रखा था जब हमने विंडो की थी। अब ये देखिए, अब इसको हम टेस्ट करते हैं, मतलब इसको देखते हैं कि ये हमारे पास जो है मैटलैब ओके हो गए। तो यहाँ हम एक कमांड विंडो में लिख देते हैं फजी, FUZZY फजी, फिर टाइप किया हमने, फिर एंटर मारेंगे तो इसका डिज़ाइनर जो हमारे पास आ जाएगा ऊपर। अगर कुछ और आ रहा है, कोई एरर आ रहा है, तो समझ लेंगे भी हमारी जो है मैटलैब एक्टिवेट सही तरीके से इंस्टॉल एक्टिवेट नहीं हुई है। अब ये देखिए,
ये हैवी होती है, ये देखिए ये आ गया हमारे पास, मतलब ओपन हो गया है फजी वाला डिज़ाइनर हमारे पास। तो ये हमारा समझ लो कि मैटलैब बिल्कुल ओके, हमने चेक कर लिया है, किसी भी कमांड से चेक कर सकते हैं, अगर कुछ एरर आ रहा है तो समझ लो कुछ प्रॉब्लम है।